आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टमाटर की चटनी बना के दिखाऊंगी। इसके लिए हमने पाव कटे हुए टमाटर लिए हैं, एक लहसुन का पेस्ट लिया है, एक कटी हुई प्याज ली है, चार हरी मिर्ची ली है कटी हुई, एक धनिया का पेस्ट लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, एक चम्मच धनिया पाउडर लिया, एक चौथाई जीरा लिया, एक चम्मच नमक की ली है, एक बड़ा चम्मच ऑयल लिया है। सबसे पहले हम पैन में ऑयल डालेंगे। अब ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर एक चौथाई चम्मच जीरा डालेंगे, इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, अब इसके अंदर कटी हुई प्याज डालेंगे, अब इसको 2 मिनट तक पकने देंगे। अब ये हमारी प्याज और हरी मिर्च पक चुकी है। अब इसके अंदर हम मसाला डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक पाउडर, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और भी इसको 1 मिनट तक पकने देंगे। अब ये हमारा मसाला पक चुका है। अब इसके अंदर हम टमाटर डालेंगे, इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डालेंगे, अब इसके अंदर धनिया पाउडर डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे। ये हमारे टमाटर की चटनी बनकर तैयार हो गई है। ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।